देश भर में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होना है। ऐसे में आज से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो काफी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग का जो कोविन पोर्टल है उस पर जा रहे हैं, मगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हमने भी पोर्टल खोला है और हम दिखा रहे हैं कि कोविन पोर्टल है और देखिए रजिस्टर साइनिंग योर सेल्फ है, जो क्लिक करते हैं, फोन नंबर डालना होता है, और फोन नंबर के बाद ओटीपी के लिए क्लिक करना होता है। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि इंतजार करते रह जा रहे हैं मगर कोई ओटीपी नहीं आ रहा है। 180 सेकंड का समय मिलता है मगर 180 सेकंड हो जा रहे हैं और ओटीपी नहीं आ रहा है। मोबाइल दिखा रहे हैं कि मोबाइल पर अब तक कोई ओटीपी नहीं आया है। तो जो 3 मिनट का समय है वह पूरा हो चुका है मगर ओटीपी नहीं आया। ऐसा हमने एक बार नहीं कई बार करके देखा, काफी लोगों की शिकायतें थी, जिसके बाद हमने भी ट्राई किया लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है। जब इस पर हमने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना है कि सर्वर पर अचानक से लोड बढ़ गया है, इस वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं और इसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी प्रणव के साथ कृष्ण नंदन।